गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। चलो फिर से हम वैसे ही स्टार्ट करेंगे अभी। हाँ, इस बार भी हम लोग सेम वैसे ही करेंगे जैसे हमने इंग्लिश में किया। मैं आपको क्वेश्चंस करूंगी, आप लोग मुझे आंसर्स दोगे, ठीक है? रिवीजन ईवीएस का मजा आया, एक अंडा लाया, मजा आ रहा है पढ़ने में, मजा आ रहा है। चलो फिर अभी क्वेश्चन करने की तैयारी। अभी आप लोग आंसर्स भी रेडी रखना मेरे लिए, मैं क्वेश्चन करूंगी आप लोग आंसर करना। हाँ हाँ भगवान को याद कर लो, वीरेंद्र वही साथ देने वाले अभी आपको, है ना? अच्छा चलो मैं आपको एक दो क्वेश्चन करूंगी, आप लोग मुझे उसका आंसर देना। देखते हैं कौन कौन राइट बोलता है और कौन कौन रॉन्ग बोलता है। आवर फैमिली मेक्स अस बताओ आंसर। आवर फैमिली मेक्स अस, आंसर लिखना है आपको, मैं वेट कर रही हूँ आंसर का, बोलना नहीं है। किसी को भी नहीं आ रहा है, या आ रहा है वीरेंद्र को? हैप्पी हैप्पी हैप्पी, अरे वाह, ये तो देखो वीरा ने कैसे हैप्पी लिखे इमोजी बनाया है, वीरा ने क्या किया, हैप्पी लिखे इमोजी बना दिए हो तो। Yes, the answer is happy. Our family makes us happy. Okay. Next question. दूसरा question करूँ? Drink a lot of every day, drink a lot of every day, क्या पीना चाहिए? वॉटर 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 पीना चाहिए, मैंने वॉटर पीना चाहिए। ये, अरे ये किसने, ये फिर से किसने ड्रॉप बुलेट हो रहा है पानी का, कैनिल ने बनाया। ओके वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे वीरा तो कितना पानी बनाएगी बेटा, सब जगह से पानी निकल रहा है, पीने वाला पानी बनाया नहीं उसमें तो। ओके चलो नेक्स्ट, वेरी गुड, सबको आंसर्स आ रहे हैं। ओके मेरे अच्छे बच्चे सबके सब ना, सब आंसर्स दे रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करूं? ओके चलो, कीप योर नेल्स, बुक में से कॉपी तो नहीं कर रहे ना आप लोग, कॉपी नहीं कर रहे बुक में से, मत करना। कीप योर नेल्स डैश एंड डैश, कैसे करना चाहिए हमें नेल्स?
हाँ करेक्ट। बाकी सब नहीं आ रहा आंसर किसी को? अरे कर्टन क्लीन, कर्टन क्लीन नहीं, शर्ट एंड क्लीन, प्रॉपरली एंड क्लीन रॉन्ग है आंसर। बी आंसर रॉन्ग है बेटा, आंसर आएगा शर्ट एंड क्लीन, प्रॉपरली नहीं आएगा, शर्ट एंड क्लीन। न्यासा बेटा क्लीन की स्पेलिंग रॉन्ग लिखी है आपने, करेक्ट करो। वीरा ने लॉन्ग रॉन्ग लिखा था, कैनल ने कट एंड क्लीन रॉन्ग, शॉर्ट एंड क्लीन। ये क्लियर नहीं बेटा, क्लीन कृषि बेटा क्लीन आएगा। यस तो हमें हमारे चाहिए कीप योर नेल्स शॉर्ट एंड क्लीन। हमें हमारे नेल्स का छोटे रहने चाहिए और कट रहने चाहिए नेल्स, बड़े बड़े नेल्स नहीं रहने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करूं? चलो करती हूँ। ये बहुत आप लोगों के लिए जरूरी है क्योंकि आप लोग मुझे इसका आंसर देते हो या नहीं देखते हो। ईट मम्मीज प्लीज हेल्प नहीं करना, इनको स्पेलिंग खुद से आने दो, एग्जाम आ रहा है अभी है ना, आंसर दो। ईट डैश एंड डैश एवरी डे, हाँ वीरेंद्र कंफ्यूज हो गया, कौन सा आंसर आएगा इसमें, क्या खाना चाहिए हमें रोज? ईमानदारी आ रहा है बेटा आंसर, ये कैसे लिखा कैनल ने, कैनल सबको आंसर क्यों बता रहा है, क्यों वाई इसने बता दिया सबने, नहीं मिल्क और फ्रूट नहीं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, हाँ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स करेक्ट करेक्ट। मेरे बच्चे अच्छे बन गए ना, सब पढ़ाई कर रहे हैं अभी आजकल, आप लोग पढ़ रहे हो कि मम्मी पढ़ा रही जबरदस्ती आजकल, पढ़ना पड़ेगा, वेरी गुड। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स द आंसर इज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो आप लोग खाते हो कि नहीं खाते हो डेली फ्रूट और वेजिटेबल्स? नहीं खाती है न्यास, ऐसे किया ना, नहीं खाती है, झूठ बोल रही है, हाँ बोल रही है, झूठ बोल रही है ना, झूठ बोल रही है, हाँ हाँ झूठ बोल रही है ना, झूठ बोल रही है ना, नहीं हाँ हाँ झूठ बोल रही कि नहीं न्यास आप बेटा, आप झूठ बोल रहे हो कि नहीं बोल रही है बताओ, हाँ बोल रही, झूठ बोल रहे हो, क्या फ्रूट डेली खाते हो? ओके चलो बेटा मैं आपको पूछ रही थी न्यासा कि आप डेली फ्रूट्स खाते हो कि नहीं खाते हो, तो आप ऐसे कर रहे हो, मैंने बोला आप झूठ बोल रहे हो, तो भी आप ऐसे कर रहे हो, हाँ मिस मैं झूठ बोल रही हूँ। ओके चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन करती हूँ मैं अभी आपको, वेरी गुड। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हमें डेली खाना चाहिए, नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा, हम हेल्दी और स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगे। अच्छा एक और, वी हैव डैश मील्स अ डे, वी हैव डैश मील्स अ डे। सानवी बस आराम कर रही है, सैनिक जी का खेल रही है, आंसर कौन देगा, मैं बोलो बोलो, वेट कर रहे हो कौन आंसर देगा, नहीं जो फर्स्ट आंसर देगा उसका आंसर राइट रहेगा, देखते कौन सा आंसर,
यस हिमांद्र ने राइट लिखा द आंसर इज ट्री वी हैव थ्री मील्स अ डे करेक्ट अभी कैनल ने भी चेंज किया न्यासा शॉर्टकट थ्री हाँ थ्री हम देखो थ्री मील कौन कौन से लेते हैं ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर थ्री हो गया ना ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर हम ये थ्री मील्स लेते दिन में ना है ना एक सेकेंड ना हाँ आ जाइए सॉरी ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछू ब्रेकफास्ट हाँ दम खाते ही है ओके सॉरी फूड गिव्स अस फूड गिव्स अस एनर्जी फूड गिव्स अस एनर्जी फूड गिव्स अस एनर्जी फूड क्या देता है हमें एनर्जी देता है तो याद रखना है फूड गिव्स अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग नहीं फूड कीप्स अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग बट फूड गिव्स अस एनर्जी ओके फूड देखो आप देखो एक मिनट रुको सब लिखना बंद करो और जो मैं लिख रही हूँ आंसर लिखना ठीक है फूड गिव्स अस एनर्जी ठीक है दूसरा फूड कीप्स अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग देखो मैंने पहले क्या लिखा था फूड गिव्स अस एनर्जी फिर दूसरे मैंने क्या लिखा फूड कीप्स अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग फूड Keeps us healthy and strong. Food क्या करता है हमें हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रखता है क्या करता है हमें हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रखता है फूड ठीक है ओके वेरी गुड चलो आप है ना क्वेश्चन आंसर पूछ देखते कितना आता है आप सबको Who gives us milk बताओ who gives us milk milk कौन देता है क्या milk कौन देता है बताओ मुझे सिर्फ cow देती है milk
और कोई मिल्क देता नहीं है? काउ तो राइट है। हाँ काउ, बफेलो। एक और एनिमल है, एक और एनिमल। बफेलो किस नहीं रॉन्ग लिखी है? नक्स, नक्स नहीं है, किसने लिखा था बफेलो? पूरा आंसर लिख के दो, सिर्फ काउ बफेलो कोट मत लिख के दो, पूरा आंसर। Who gives us milk? पूरा आंसर। जैसे मैंने लिख के भेजा था आप लोगों को। मैं वेट कर रही, पूरा आंसर चाहिए मुझे। Which animal gives us milk? बफेलो गिव्स अस मिल्क। बस बाकी दो एनिमल्स खा गए आप लोग? यस जानवी, काउ बफेलो एंड आएगा, काउ बफेलो एंड गोट गिव्स अस मिल्क। और कोई लिख नहीं रहा है अच्छे से आंसर? हिमांद्री, वीरेंद्र आंसर। हाँ नक्स ने बराबर लिखा अभी इस बार आंसर। काउ बफेलो एंड गोट गिव्स अस मिल्क। काउ, काउ बफेलो एंड गोट गिव्स अस मिल्क। न्यासा वेरी गुड। यस तो यही हमें क्या देते हैं? मिल्क देते हैं। हम पीते भले ही काउ का मिल्क, पर ए डेरिया ये दे क्यों मार रहा है आपको लेक्चर के बीच में? नो नीड टू फाइट। लेक्चर में मारा मारी चल रही आप लोगों की। हाँ ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है ठीक है। व्हाई डू वी नीड फूड? हमें फूड क्यों चाहिए? व्हाई डू वी नीड फूड? No. पूरा आंसर लिखो। पूरा आंसर लिखो। Why do we need food? We have healthy and strong. Wrong. We need food to live. Nay. एक तरह से राइट है लेकिन इसे बेटा मैंने आंसर जो लिखा है वो बताओ मुझे आप। Why do we need food? Yes, to keep us healthy. Yes, to keep us healthy. We need food to keep us healthy. एंड स्ट्रॉन्ग आप लिख सकते हो लेकिन हेल्दी लिखना है मेन। आप अगर स्ट्रॉन्ग लिख सकते हो लिख लो, कोई रॉन्ग नहीं होगा आंसर। पर टू कीप अस हेल्दी, फूड हम लोग क्यों खाते हैं? ताकि हम क्या रह सके? हेल्दी। ओके
नेक्स्ट ओके चलो एक और क्वेश्चन. वी नीड वॉटर फॉर हमें पानी किसके लिए चाहिए? मेन काम क्या पानी से हमारा? पीछे जेठालाल चल रहा है. हाँ कैनिल जेठालाल देख रहा है पीछे से. हाँ बंद करो टीवी को, पढ़ाई पे ध्यान दो. व्हाई डू वी सॉरी वी नीड वॉटर फॉर पानी किसके लिए चाहिए हमें? नो no. अच्छा चलो मैं आपको कुछ एक्शन करके दिखाती हूँ. ठीक है आप बताओ कौन सा आंसर आएगा इसमें. यस वी नीड वॉटर फॉर ड्रिंकिंग. डिहाइड्रेटेड वाओ मम्मी ने लिखा होगा. हिमांद्री को नहीं आता होगा. वी नीड वॉटर फॉर ड्रिंकिंग. वी नीड वॉटर फॉर ड्रिंकिंग. है ना पानी पीने के लिए चाहिए ना. वैसे और बाकी सब चीजों के लिए चाहिए लेकिन मेन हमें पानी पीने के लिए चाहिए. अगर पिएगे नहीं तो पानी पानी चाहिए. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. हमें नेम द मेन सोर्स ऑफ वाटर. पानी कहाँ से आता है? मेन सोर्स क्या है वाटर का? यस रेन. रेन पूरा आंसर लिखो. आधा आधा लिख के छोड़ देते हो बदमाश बच्चे. रेन क्या सब लिखो बाकी किसी का आंसर नहीं आ रहे. Yes, rain is the main source of water. Very good, Darsh. Virendra, shortcut मत बनाओ बेटा. मैंने बोला ना पूरा लिखो. हिमांद्री सिर्फ ड्रॉइंग बना के दिखा रही है. बेटा आपको रेन की स्पेलिंग नहीं आती? नहीं आती आपको रेन की स्पेलिंग? वीरा बेटा रॉन्ग ऐसे मत लिखो. अब ज्यादा हो रहा है. प्रॉपर लिखो आंसर. रॉन्ग लिख रहा है आपने आंसर. वेल नहीं है. वेल मेन सोर्स नहीं है. वेल में भी तो पानी कहीं ना कहीं से आता है ना. तो वेल में पानी कहाँ से आता है? रेन से. बारिश से पानी आता है ना. तो रेन आएगा आंसर. रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर. तो आपको आंसर ऐसा लिखना था. रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर. मेनी मेन हाँ रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर. वेरी गुड मेरे बच्चे बहुत अच्छे से कर रहे हैं पढ़ाई. अब अटेंडेंस देना ठीक है. कल भी आप लोग ऐसे प्रिपेयर करना. मैं आप लोगों को पूछूंगी बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने आज पूछा. ठीक है वेरी गुड बच्चे लोग.
कीप इट अप, ऐसे ही पढ़ाई करते रहो. ओके, अटेंडेंस अंश, अर्न, दानी, दर्श, धैर्य, धैर्य. बेटा आपने धैर्य को क्यों मारा? हाँ धैर्य, दर, ध्यानी, धैर्य, दिया, हमिया, इमानदारी, एतेन, जानवी, जयराज, काव्य, काव्य, कैनिल, कियान, कृषि, प्रेजेंट मैम, महारुद्र, मार्विक, नैया व्यास, नव सोलंकी, प्रेजेंट मैम, ओके, नव परमार, न्यासा प्रजापति, पवित्रा, प्रांजव, रूही चिराग भाई पटेल, रूही प्रकाश भाई पटेल, सानवी, वीरा, वेदई, वीरेंद्र, वियांत, युवराज, जियान, मिहिर, मिहिर, प्रीति, जिया, नक्षकर, हर्ष, मान्या, युग, महाश्री, ओके, चलो वेरी गुड, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करना, कल फिर से ओरल होगी आप लोगों का, ठीक है? मैं कल फिर से ओरल लूंगी, ओके, चलो बाय, नहीं बाय मैम.